रबड़ी के स्वाद का पता शायद इसके चाहने वालों से बेहतर आज कोई नहीं जानता। गर्मी के मौसम में आज के समय वैसे बहुत सी वैरायटी की आइसक्रीम मिल जाएगी, लेकिन रबड़ी जैसा स्वाद आपको शायद ही चखने को मिले। मिठास से भरपूर रबड़ी अपने स्वाद से किसी को भी अपना दीवाना बना दी। शुरू में ऐसे ही एक रबड़ी व्यवसायी है सावरमल सैनी, जिन्हें रबड़ी का यह व्यवसाय विरासत में मिला और आज सैनी परिवार की चौथी पीढ़ी इस कारोबार को आगे बढ़ा रही है। देपाल सर के सावरमल सैनी बताते हैं कि उनका परिवार पिछले करीब 60 वर्षों से रबड़ी बेच रहा है। पहले उनके दादा और फिर उनके पिता और वर्तमान में वह स्वयं और उनके बच्चे रबड़ी बेच रहे हैं। सैनी बताते हैं कि स्वाद और शुद्धता में उनकी रबड़ी का कोई मुकाबला नहीं और इसी के चलते आज भी उनका वर्षों पुराना कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। सावरमल बताते हैं कि उनके दादा और पिता ने ट्रेन और बस में रबड़ी बेची और वह अब आसपास के शहरों में साइकिल पर घूम घूम कर रबड़ी बेचते हैं, तो बच्चे भी उनके इस काम में उनका पूरा सहयोग करते हैं और हाथ बढ़ाते हैं। ये हो गया 50-60 साल दादोजी पिताजी 30 साल से मैं लाग रहा पहले अपनी मजदूरी 500-400 आराम से बढ़िया चीज बेचा बढ़िया खावे ग्रह ग्रह खुश हो इतनी बनावा 5-4 किलो बना लिया मजदूरी हो गया 500-400 बढ़िया। हाँ सुबह ट्रेन से आऊँ शाम हो जाऊँ साइकिल में रतगढ़ में घुमा सगड़ा घूम के बाजार में बस स्टैंड पर सगड़ा बेचना